हमें सोचने और समझने की आवश्यकता है। एक कारण, मैं ज्यादा चीजों में नहीं जाना चाहता, इतना समय भी नहीं होगा, कि भारत विदेशों से इतना नहीं हारा। अंग्रेजों ने भारत के खिलाफ कोई लड़ाई ऐसी नहीं जीती जिसमें कि अंग्रेजों की फौज में भारतीय सिपाही नहीं थे, चाहे वह पहले बंगाल नेटिव आर्मी थी 1857 के अंदर में, सिखों और गुरखास ने उनका साथ दिया, जब सिखों से लड़ाई हो रही थी तो बाकी लोगों ने उनका साथ दिया, हमेशा नेटिव आर्मी उनके साथ थी। जब जब आक्रमण वेस्ट से हुआ, चाहे वो पार्थियंस थे, चाहे हून थे, चाहे मंगोल आए, बाद में मुगल आए, तो लश्कर कहां बने? वो तो थोड़े से लोग आए थे। लश्कर बने काबुल में, जिस वक्त वो इस्लामाइज भी नहीं हुआ था, लाहौर में, सरहंद में। हिंदुस्तानियों को हराया है तो हमेशा हिंदुस्तान के लोगों ने साथ नहीं दिया देश का, और दर्द है तो केवल इसी बात का। भारत के इतिहास में अगर दर्द केवल इस बात का नहीं है कि विदेशों ने हमारे साथ क्या किया, उनका तो हम मुकाबला कर लेते, दुख इस बात का था कि हमारे सभी लोगों ने साथ नहीं निभाया और साथ नहीं दिया। और इसकी फीलिंग आज भी मुझे इस देश में होती है, और भारत को अंतरीय बाह्य शक्तियों से जो सबसे बड़ा खतरा है, वो खतरा इस बात का है कि हमारे अपने लोग ही कहीं राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की अस्मिता, राष्ट्र के गौरव का सौदा न कर बैठे, अपने आज के सुख के लिए अपने भविष्य को अंधकारमय न कर दें। और इसके लिए जो जागरूकता चाहिए, इसके लिए जो ताकत पैदा करनी है, वह ताकत केवल समाज के अंदर भी पैदा की जा सकती है, उसको केवल आप लोग कर सकते हैं, वो केवल आज की युवा